हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10th वेब एप्लीकेशंस की, जिसमें हमने सेशन 1 पहले पढ़ा था एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस वाला। अब है सेशन 2 नेटवर्किंग फंडामेंटल्स। सबसे पहले हम शुरू करते हैं, देखते हैं व्हाट इज अ कंप्यूटर नेटवर्क। यहाँ पर अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स एंड अदर हार्डवेयर कंपोनेंट्स इंटरकनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन चैनल। यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर, मैनी कंप्यूटर्स व्हेन दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर इट फॉर्म्स अ कंप्यूटर नेटवर्क। यहाँ पर आप ये देखिए, ये एग्जाम्पल है इसका, बहुत सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं, ये क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क है। और साथ में क्या लिखा हुआ है? एंड अदर हार्डवेयर कंपोनेंट्स, ठीक है। यानी कि अदर हार्डवेयर कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल प्रिंटर हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल आपका स्कैनर हो सकता है, और भी बहुत सारे हार्डवेयर कंपोनेंट हो सकते हैं जो आपस में क्या है, इंटर कनेक्टेड हैं। किसके थ्रू? बाई केबल, जो कम्युनिकेशन चैनल है, यानी कि केबल्स के थ्रू आपस में कनेक्टेड है, या सैटेलाइट के थ्रू आपस में ये कंपोनेंट आपस में कनेक्टेड है। नाउ अ कंप्यूटर नेटवर्क अलाउ शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड इन्फॉर्मेशन। कंप्यूटर नेटवर्क क्या करता है? ये जो रिसोर्सेज हैं हमारा, रिसोर्सेज यानी कि जो भी जिस तरह के जो हार्डवेयर रिसोर्सेज हम कह सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्रिंटर है, फॉर एग्जाम्पल अगेन स्कैनर है, इनको हम क्या कर सकते हैं? आपस में शेयर कर सकते हैं। इसको मैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल आपको समझाऊंगा। यहाँ पर ये एक फोटो आप देखिए, ये एक ऑफिस की फोटोग्राफ है जिसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, उन सबके पास क्या है? कंप्यूटर यहाँ पर लगा हुआ है। हो सकता है कि इन सारे एम्प्लॉयज को जो है किसकी ज़रूरत पड़े? प्रिंटआउट की ज़रूरत पड़े, ठीक है, ये जो भी काम कर रहे हैं। अगर यहाँ पर एक तरीका क्या है कि हर कंप्यूटर के साथ एक प्रिंटआउट को जोड़ दिया जाए, तो क्या होगा? सब हर कोई जो है प्रिंटआउट निकाल सकता है, लेकिन ये बहुत कॉस्टली होगा। क्योंकि यहाँ पर अगर हो सकता है मोर देन 100 कंप्यूटर्स हैं, तो 100 प्रिंटर की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन कंप्यूटर नेटवर्क की हेल्प से क्या हुआ? शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज, हार्डवेयर रिसोर्स। एक प्रिंटर लगाया, या फिर हो सकता है 2 या 3 या 5 प्रिंटर्स हमने लगाया, और उसको आपस में शेयर कर दिया सारे डिवाइसेस से, सारे कंप्यूटर्स से। तो सब लोग क्या कर सकते हैं? एक प्रिंटर से ही या 2 प्रिंटर से ही सब अपने प्रिंटआउट्स को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं, ओके, और इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर सकते हैं। यानी कि अगर ये कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं, तो इस कंप्यूटर में जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सारा हर कोई देख सकता है, जिससे क्या हो सकता है? हर किसी को हेल्प होगी, हर किसी को एक दूसरे से जो है फिजिकली नहीं पूछना पड़ेगा कि भाई उसके पास आके और आपके सिस्टम में क्या है बताइए। अब वो वहीं पर बैठे बैठे जो है इनके सिस्टम के सारे इन्फॉर्मेशन को देख सकता है और यूज भी कर सकता है। दिस इज कॉल्ड शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन। अब आइए आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? ये किसकी हेल्प से होता है? शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर नेटवर्क की हेल्प से, ओके। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क जनरली दो तरह के होते हैं, एक होता है पीयर टू पीयर, एक होता है क्लाइंट सर्वर, ठीक है। पहले क्लाइंट सर्वर को हम देख लेते हैं। ये है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, ठीक है। इसमें क्या है, देखिए यहाँ पर बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं विद अ सर्वर। ये बीच में जो यहाँ पर ये दिया हुआ है, ये एक सर्वर है, ठीक है। सर्वर में क्या होता है? सर्वर में सारी इन्फॉर्मेशन होती है। क्लाइंट क्या करता है? इन्फॉर्मेशन को पूछते हैं सर्वर से, और सर्वर क्या करता है? इन्फॉर्मेशन सर्व करता है क्लाइंट को, ठीक है। तो यानी कि सर्वर में सारी इन्फॉर्मेशन होगी। फॉर एग्जाम्पल गूगल, आप ये मान के चलिए यहाँ पर इस कंप्यूटर में आप बैठे हैं, इस कंप्यूटर में आपका फ्रेंड बैठा है, और ये क्या है? गूगल का सर्वर है, ठीक है। आपने कुछ भी इन्फॉर्मेशन पूछी, या आपके फ्रेंड ने कुछ भी इन्फॉर्मेशन पूछी, जैसे हम गूगल से पूछते हैं कभी कुछ भी इन्फॉर्मेशन हमें करना है तो गूगल से ही हम पूछते हैं, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन हम किससे पूछ रहे हैं? सर्वर से पूछ रहे हैं, गूगल सर्वर से। और गूगल सर्वर क्या कर रहा है? हमें रिस्पॉन्ड कर रहा है इन्फॉर्मेशन को, जो भी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए वो हमें भेज रहा है, ठीक है। सो दिस मॉडल इज कॉल्ड क्लाइंट सर्वर, ठीक है। और दूसरा होता है इसमें पीयर टू पीयर। थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा पीयर टू पीयर क्या होता है। क्लाइंट सर्वर तो आपने समझ लिया, यह है क्लाइंट सर्वर, दिस इज क्लाइंट सर्वर, जिसमें एक सर्वर होता है बीच में और सारे क्या होते हैं? क्लाइंट होते हैं, ठीक है। तो ऑल द कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू अ सर्वर। अब पीयर टू पीयर में क्या होता है? सर्वर कोई नहीं होता, देखिए कुछ भी सर्वर नहीं होता है। यहाँ पर ऑल कंप्यूटर्स हैव इक्वल एडवांटेज और इक्वल राइट्स, ठीक है। यानी कि हर किसी की जो पावर होती है वो इक्वल होती है। सारे एज अ सर्वर भी यूज कर सकते हैं, सारे एज अ क्लाइंट भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप, इसकी डेफिनेशन आप देखिए, पीयर टू पीयर में क्या है? इन P2P नेटवर्क आर्किटेक्चर ऑल कंप्यूटर्स हैव इक्वल स्टेटस। हर कंप्यूटर का इक्वल स्टेटस होता है, कोई पर्टिकुलर कोई एक कंप्यूटर सर्वर नहीं है और पर्टिकुलर कोई एक कंप्यूटर क्लाइंट नहीं है। हर किसी के पास अपनी अपनी जो है जो इक्वल पावर है, है ना। इन सच अ नेटवर्क ईच टर्मिनल हैज एन इक्वली कंपिटेंट CPU। हर किसी के पास CPU जो है उसका जो लेवल ऑफ जो से कॉन्फ़िगरेशन होता है लगभग सेम होता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है क्लाइंट सर्वर में? क्लाइंट सर्वर में ऐसा नहीं है। क्लाइंट सर्वर में क्या है? इन सच आर्किटेक्चर अ फ्यू कंप्यूटर्स हैव स्पेशल डेडिकेटेड टास्क। कुछ कंप्यूटर के पास स्पेशल डेडिकेटेड टास्क होती है, यानी कि यहाँ पर जो बीच का कंप्यूटर है, ठीक है, इसके पास डेडिकेटेड, ये डेडिकेटेड कंप्यूटर है, यानी कि इसका काम है सिर्फ सर्व करना इन्फॉर्मेशन। इस पर कोई आके अपना और काम नहीं करेगा, कोई क्लाइंट जो है आके इसमें जो है अपने कोई फाइल्स वगैरह नहीं बना सकता, क्योंकि इस ये सर्वर, दीज कंप्यूटर्स आर बेसिकली
टू सर्व क्लाइंट, क्लाइंट को सर्व करने के लिए इसमें डेटा होता है, बस हो गया, इसका काम यही होता है। इनको हम कहते हैं डेडिकेटेड कंप्यूटर्स, ठीक है। प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू अदर कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क, कोई ये क्या करते हैं, नेटवर्क में अदर कंप्यूटर को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। दिस इज कॉल्ड क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, और इसी को हम क्या कहते हैं, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर बोलते हैं। नाउ यहां पर आपको ये समझना जरूरी है, द कंप्यूटर विच प्रोवाइड सर्विसेज आर कॉल्ड सर्वर एंड द वंस दैट यूज सर्विसेज आर कॉल्ड क्लाइंट्स। जैसे कि हम यहां पर देख चुके हैं, ये सर्वर है और ये सारे क्या हैं, क्लाइंट हैं, ठीक है। चलिए अब आगे आइए, टाइप्स ऑफ नेटवर्क, देर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ नेटवर्क। पहला है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, ये मैं आपको विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल में बताना चाहूंगा। लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब होता है एक ऐसा नेटवर्क जो किसी एक पर्टिकुलर बिल्डिंग में, देखिए जैसे यहाँ पर है, ये एक बिल्डिंग है और ये पर्टिकुलर एक एरिया में ये नेटवर्क है, बहुत सारे कंप्यूटर्स या अदर डिवाइसेस का नेटवर्क एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या पर्टिकुलर एक ऑफिस के अंदर या पर्टिकुलर एक बिल्डिंग के अंदर, इसको हम कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। यहाँ पर लिखा भी है, अ लैन इज वन विच कनेक्ट्स कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेज इन अ लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया सच एज होम, स्कूल, ऑफिस, बिल्डिंग, ठीक है, इसको हमने बोला लैन। मैन क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क सिंपली होता है, बहुत सारे लैन जब आपस में जुड़ते हैं, मे बी मेट्रोपॉलिटन का मतलब होता है एक सिटी के अंदर, वो क्या बनाते हैं, एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बनाते हैं। यहाँ पर दिया है यहाँ पर एग्जाम्पल, तो ये है मैन। मैन की हेल्प से क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर बहुत सारे लैन है, ये लैन वन, लैन टू, लैन थ्री, लैन फोर, लैन फाइव, ये आपस में कनेक्टेड है, ये क्या बन गया, एक मैन बन गया, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। आगे है तीसरा वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क क्या है, अ वाइड एरिया नेटवर्क इज वन विच कवर्स अ ब्रॉड एरिया अक्रॉस द नेशन और वर्ल्ड, यानी कि ब्रॉड एरिया को ये कनेक्ट करते हैं, ठीक है। इंटरनेट इज द एग्जांपल ऑफ वैन, यानी कि बहुत सारे जो मैन और लैन है पूरे एक बहुत बड़े ज्योग्राफिकल रीजन में या फिर आप कहें पूरे वर्ल्ड वाइड, इसको हम क्या कहते हैं, वैन कहते हैं। इंटरनेट इसका एग्जांपल है, देखिए यहाँ पर बहुत सारे ये लैन यहाँ पर लिखा है, हालांकि वैन भी हो सकता, मैन भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे लैन हैं, आपस में कनेक्टेड हैं, वो एक मैन फॉर्म कर रहे हैं, और मैन क्या कर रहे हैं, बहुत सारे मैन आपस में कनेक्टेड हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, तो इससे क्या बन रहा है, एक वैन बन रहा है, यानी कि जो बहुत सारे जो नेटवर्क हैं अलग सिटीज़ में वो भी आपस में कनेक्टेड हैं, और पूरे स्टेट में सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं, पूरे वर्ल्ड में सारे कनेक्टेड आपस में कनेक्टेड हैं, फिर उसके बाद पूरे जो है सॉरी नेशन में, फिर उसके बाद पूरे वर्ल्ड में आपस में कनेक्टेड हैं, इसको हमने क्या बोला, वैन बोला, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो यही इसको आपको डेफिनेशन आपको लिखना है। नाउ इंटरनेट, कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंटरनेट। व्हाट इज इंटरनेट, इंटरनेट इज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, सिंपली आप इसको अगर डिफाइन करेंगे तो इसके दो डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, इंटरनेट इज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। इसी से आप समझ लीजिए, ये एक वैन है, ये एक इंटरनेट है, आप कह सकते हैं ये बहुत सारे नेटवर्क का आपस में एक नेटवर्क ये बना है, इसको ही हमने क्या बोला, वैन बोला, इसी को हमने क्या बोला, इंटरनेट बोला, ठीक है। तो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, बहुत सारे नेटवर्क्स का एक नेटवर्क, इसको हमने क्या बोला, इंटरनेट बोला। दूसरा, इंटरनेट इज अ ह्यूज ओशियन ऑफ इन्फॉर्मेशन। इंटरनेट क्या है, ह्यूज ओशियन ऑफ इन्फॉर्मेशन, यहाँ से आप कुछ भी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से निकाल सकते हैं, एज गूगल से आप पूछ सकते हैं एनीथिंग यू वॉन्ट। नेक्स्ट, द इंटरनेट इज अ ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क दैट यूज द स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल्स टू सर्व बिलियंस ऑफ यूजर वर्ल्ड वाइड। ये भी एक डेफिनेशन हो सकती है। ये क्या है, बहुत सारे कंप्यूटर्स का एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है ऑल ओवर दी वर्ल्ड में, जो क्या करता है, कुछ स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल्स को फॉलो करता है। ये प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, प्रोटोकॉल मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो जरूरी होते हैं फॉलो करना। अब कैसे होते हैं, देखिए ये प्रोटोकॉल्स क्यों फॉलो कर रहा है, पहले इसको समझिए। टू सर्व बिलियंस ऑफ यूजर वर्ल्ड वाइड, बहुत सारे यूजर्स हैं वर्ल्ड वाइड, उनको सर्व करने के लिए ये प्रोटोकॉल फॉलो किया जा रहा है। अब प्रोटोकॉल का मतलब क्या है, देखिए सपोज यहाँ पर आप बैठे हैं इस कंप्यूटर में, आपने जो है गूगल सर्वर से पूछा व्हाट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो गूगल सर्वर क्या करेगा, आपको किस बारे में इंफॉर्मेशन देगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में आपको कुछ भी जो भी डेटा होगा वो आपको सेंड कर देगा। ऐसा तो नहीं है कि आपने पूछा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और वो आपको सर्व कर रहा है कोरोना वायरस के बारे में, है ना। तो यहाँ पर जो आप पूछ रहे हैं वही चीज़ आपको रिप्लाई भी हो रही है। ये कैसे हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये जो पूरा सिस्टम है एक प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा है, कुछ रूल्स फॉलो कर रहा है, वो देख रहा है कि हर यूज़र की रिक्वायरमेंट क्या है, उस अकॉर्डिंग उसको रिस्पॉन्ड किया जा रहा है। और भी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, जैसे आप ई मेल भेजते हैं तो ई मेल आप पर्टिकुलर जिस एड्रेस पर आप भेज रहे हैं उसी एड्रेस पर जा रहा है, गलत एड्रेस पर नहीं जा रहा, ये भी एक थ्रू अ प्रोटोकॉल ये होता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रोटोकॉल के एक बहुत बड़ा चैप्टर है, उसमें नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर सिंपली आपको ये समझना है प्रोटोकॉल क्या है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो इंटरनेट पर फॉलो किए जाते हैं कनेक्टिविटी के समय, यानी कि जब आपस में एक दूसरे कंप्यूटर्स क्या करते हैं, टॉक करते हैं या इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, ठीक है। अब आइए WWW, वर्ल्ड वाइड वेब, इसको हम W3 भी बोलते हैं। W3 क्या है, इज अ सिस्टम ऑफ इंटरलिंक्ड हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट एक्सेस्ड वी आर द इंटरनेट। यस, वर्ल्ड वाइड वेब
ये कुछ भी नहीं है, ये बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जब आपस में कनेक्टेड होते हैं। देखिए यहाँ पर इंटरनेट पर, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम किसके थ्रू जो है कनेक्टेड है आपस में, कंप्यूटर्स के थ्रू। और कंप्यूटर्स में क्या खुल रहा है, वेबसाइट खुल के आ रही है। तो वेबसाइट में क्या है, वेबसाइट में क्या है, वेबसाइट में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स खुल के आ रहे हैं, जैसे वेब पेज वन, वेब पेज टू। जैसे मैंने अगर सपोज द हिंदुस्तान टाइम्स या द टाइम्स ऑफ इंडिया का मैंने जो है वेबसाइट खोला, तो वो एक वेब डॉक्यूमेंट खुल के आ रहा है मेरे सामने, ठीक है, वेब पेज खुल के आ रहा है। तो वेब पेज क्या है, उस वेब पेज में अगर क्लिक करूंगा तो फिर बहुत सारे और नए वेब पेज वहां पर खुल के आएंगे। तो यही जो वेब पेज है, इनको हमने बोला हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स। क्यों? क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स हाइपर टेक्स्ट, बहुत सारे इसमें ऐसे टेक्स्ट होते हैं जो कनेक्ट करते हैं दूसरे वेब पेज से। जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखा होगा स्पोर्ट्स के बारे में, तो वहाँ पर स्पोर्ट्स लिखा होगा, तो स्पोर्ट्स पे जैसे मैं क्लिक करूँगा स्पोर्ट का पेज खुल जाएगा। तो स्पोर्ट क्या हो गया, स्पोर्ट एक हाइपर टेक्स्ट हो गया, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसको क्लिक करके मैंने नया पेज खोला। तो यही हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब हम बोलते हैं। बहुत सारे एक बिलियंस मिलियंस में ये हो सकते हैं, ठीक है, जैसे आपको बताइए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आज इंटरनेट पे अवेलेबल हैं। आगे वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर क्या होता है, इन अ वेब ब्राउजर वन कैन व्यू वेब पेजेस दैट मे कंटेन टेक्स्ट इमेजेस वीडियोस एंड अदर मल्टीमीडिया। ये है वेब ब्राउजर, ये गूगल क्रोम है, ये फायरफॉक्स है, नीचे आप देखिए यहाँ पर ये फायरफॉक्स है और ये गूगल क्रोम है, दीज आर दी वेब ब्राउजर, ठीक है। वेब ब्राउजर में क्या हो, क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर हम कोई भी किसी भी तरह का हम जो है वेब पेज हम खोल सकते हैं, किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे हम कहाँ से लेते हैं, वेब ब्राउजर से हम लेते हैं। तो वही लिखा हुआ है, इन वेब ब्राउजर वन कैन व्यू वेब पेजेस, वेब पेजेस हम इसमें देख सकते हैं, दैट मे कंटेन, जिसमें टेक्स्ट हो सकता है, इमेजेस हो सकता है, वीडियो हो सकता है, और कुछ भी अदर मल्टीमीडिया हो सकता है, वो क्या है, वेब ब्राउजर है। सिंपली आपको ये समझना है, वेब ब्राउजर इज यूज टू एक्सेस इंटरनेट, इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए हम वेब ब्राउजर का यूज करते हैं। अब देखिए एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क के एडवांटेजेस क्या होते हैं, सबसे पहले हम डेटा को शेयर कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आप यहाँ पर बताया आपको इस पिक्चर में, आप देखिए यहाँ पर आप डेटा को शेयर कर सकते हैं, ठीक है, ये एक नेटवर्क है बहुत सारे कंप्यूटर्स का, तो आपस में डेटा को शेयर कर रहे हैं। और क्या है, हार्डवेयर शेयरिंग, हार्डवेयर को भी शेयर कर सकते हैं, एक प्रिंटर लगाए तो सारे सारे लोग यूज़ कर सकते हैं। और क्या है, इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग, यस, एक ही यहाँ पर इंटरनेट जो है मॉडम के थ्रू या फिर जो है किसी भी कनेक्शन के थ्रू जो है सारे जो यूज़र हैं वो आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरनेट को शेयर कर रहे हैं। और यूज ऑफ नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशन, यस, हो सकता है कुछ एप्लीकेशन यहाँ इंस्टॉल हो इस कंप्यूटर में और यहाँ नहीं हो, तो लेकिन वो इसको यूज कर सकता है, क्यों, क्योंकि इंटरनेट कनेक्टेड है, नेटवर्क है। सो दीज आर दी एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क, ठीक है।